सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोकोड़ी। तो ये हमारा आज डे टू है, तो मतलब आपको काफ़ी अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि पीछे काफ़ी बादल लगे हैं, धूप वूप आने के। देखो धूप पीछे तो आ रही है धूप। और अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले, मतलब कल रात को काफ़ी थकान लगी थी तो लेट उठे, तो अभी बैठे हैं फिलहाल। तो अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर 9 बजे तक निकलते हैं यहाँ से। अभी 8:30 बज चुका है, तो लाइट सी देखो क्या क्या होता है पीछे का नज़ारा चेक करिए। आपको दिखाता हूँ मॉर्निंग का व्यू। कब मैं आया तो हूँ यहाँ चौकड़ी पहले, बट फिर भी ये हमारे साथ वाले का मतलब दोस्त के चाचा के दोस्त का मतलब जो भी है उसके दोस्त का होटल है। तो चौकड़ी पे आप भी हिम्स करके अपोजिट साइड है, आपको दिखाता हूँ आपको पीछे से लोकेशन। और वहाँ पे बेरीना आ गए, और ये हमारे सैलेश भाई सुन। हाँ, वो नकुल भाई का फोटो शूट चल रहा है क्या? अभी बात नहीं, ब्रेकफास्ट बन गया, फटाफट एक एक करके वो जाओ क्या जो जिसको भी। तो नकुल भाई फोटो खींच रहे हो आप? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो ठंडा कितना हो रहा है? ठंडा हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस धूप आने के चांसेस तो है नहीं, बट फिर भी देखो वेदर रिपोर्ट तो बता रही है 4-5 बजे से बारिश वारिश आने वाली है शायद, आई थिंक। तो लेट्स सी, देखो यहाँ से अराउंड 90 या 94 किलोमीटर है यहाँ से मुंशारी ना, 90 कुछ है किलोमीटर यहाँ से, मतलब चौकुड़ी से, मतलब चौकुड़ी मेन ही है ये, जो आपने देखा होगा हरी ये हिमशेखर होटल है उसके अपोजिट साइड हमारा रूम है। शैलेश भाई के मतलब चाचा का ही होटल है ये, शैलेश भाई का है। मान आपने जो है आपको दिखाई दिया यहाँ का, इतना ही है जो है यही है, तो इतना खास है नहीं उतना। और आगे से है काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़। तो और यहाँ से KMVN टूरिस्ट रेंट टूरिस्ट हाउस भी यहीं पर ही है, पीछे आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है KMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस, ये काफ़ी अच्छा है ये भी। और यहाँ से भी अच्छा व्यू आता है, हिमालय का व्यू आता है यहाँ पर से, बट अभी दिख नहीं रहा क्योंकि बादल वादल लगे हैं। तो ऐसा ही है देखिए, और बादल काफ़ी लगे हैं। और ये हमारे शैलेश भाई फोटोग्राफर यहाँ पर बेरी नाग है। तो बस इतना ही है, तो जो है इतना ही है। तो मिलते हैं, अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर देखो जो भी होता है आपको पता चल जाएगा। और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी आपको और नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाएगी, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइस 11 बज चुका है, होटल से चेकआउट कर लिया, अब चलते हैं मुंशारी की तरफ को। नकुल आगे कर दो, अभी नकुल आगे कर। चले होटल में रुके थे हम, इधर तो आओ। तो ये भाई का होटल है, जब भी चौकोड़ी में आओ तो जरूर आना यार। तो होटल का नाम तो बता दो भाई, देख रहा हूँ। तो गाइस यहाँ विजिट करिए, काफ़ी अच्छा होटल है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस है इनके। तो बढ़िया हो जाएगा, अभी देखना मुंशारी में तो सुबह जल्दी निकलना। ठीक हो गया, थैंक यू यार, मिलते हैं। हैप्पी जर्नी भाई लोगों। ठीक है बड़े भाई, चलो चलो ठीक है बड़े भाई, आओ। तो गाइस हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, करते हैं जर्नी स्टार्ट भगवान का नाम लेके, हर हर महादेव। होटल ही है पूरा वैसे होने को तो। ये नकुल भाई आगे जा रहे हैं, टेढ़ा हो गए बिल्कुल, इनकी बस की नहीं है कुछ। बैग सीधा कर ले नकुल, आई वन ब्रो नकुल। ठंडा उतना नहीं है, पर मेरे थोड़ा गले में दर्द हो रही है यार, तब मैंने सुबह ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, मैं गले में थोड़ा खराश टाइप की हो रही है, वही होता ही है। तो लंबा टूर मैंने पहली बार किया ना, यहाँ से बेरीनाग 9 किलोमीटर है, वो 9 किलोमीटर यहाँ से चबरीनाग को थोड़ा कट्टा है अपने डेरी बैंड से हम जाएंगे, बताऊँगा आपको। चलिए काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे यहाँ से, रोड भी काफ़ी नैरो हो जाती है आगे, और नैरो होते रहिए आगे जाते रहेंगे ना। चौकड़ी से 11 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, तो यहाँ से अराउंड 86 किलोमीटर है मुंशारी, पहले थल पड़ता है थल, यहाँ से 13-14 किलोमीटर है। तो हालत कुछ ऐसी हो चुकी है बालों की, आज नहाया भी नहीं भयंकर, तो गले में हालत थोड़ी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, मतलब गले गले में दर्द हो रहा है। और तो ये हमारे हेलो, ये बकरियाँ चल रही हैं हमारे, ऐसे कुछ लोग
पेड़ ही पेड़। और तो ऐसे चलते हैं, अब रास्ते के काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो रास्ते के मजे लीजिए। तो भाई छोटा सा स्टॉप लेने के बाद मतलब अराउंड 11 किलोमीटर हम आ चुके हैं चौकड़ी से आगे को, तो यहाँ से 86 किलोमीटर है मुंशारी। तो अब चलते हैं, नॉन स्टॉप ही चलते हैं यार, देखो अगर आगे रुकेंगे तो। और यार नूब ड्राइवर तभी स्कूटी चला रहे हैं, नहीं तो बाइक चला रहे हैं, इनकी बस की नहीं बाइक चलाने। ये है दो प्रो ड्राइवर, इन भाई का बर्थडे है कल, तभी हम जा रहे हैं, ये भाई ले आ रहे हैं हमें स्पॉन्सरशिप करके। आगे चल यार, बकचोदी मत करो यार ऐसे यार। अबे यार क्या आदमी है वो, देखो अलग है वो। तो गाइस ये आप ट्राई ना करिए, ये तो थोड़े वो हैं, क्या बोले इनको, छोड़ रहे नहीं बोलते, बुरा लगता है खाली इनको। पागल होगा, यहाँ से शैलेश भाई के गांव जाते हैं, भगवती माता का मंदिर भी यहाँ है, और तो ये गंगोली घाट से वेट करते हैं, पर थोड़ा थोड़ा रुक ही जाते हैं फिर यार। बाकी तीन राइडर्स, दो राइडर्स और आ रहे हैं। तो नकुल भाई थकान हो रही है आपको? Yes, हो रही है? कल यार मेरे गले में दर्द हो गया यार, स्कूटी तो मक्खन चली होगी आपकी, मक्खन क्या नाम रखा भी आपने इसका, धन्य धानी कल्लू बना दी इसका नाम। So guys, यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर बचा है थल, अभी तक हम थल ही नहीं पहुँचे तो हम मुंशारी का पहुँचेंगे। पता है ये बात है, यहाँ से मतलब पूरा महंगा न्यूट्रल है, वहाँ से चौकड़ी से पूरा आया लगा मतलब, मैंने एक दो बार स्टार्ट की होगी तो पूरा न्यूट्रल आ रहा था, तमीज से आ रहा था, वो भी नहीं करनी पड़ती। हाँ वो भी है, चलो कोई नहीं, 19 किलोमीटर बोला था मैंने। और तो यहाँ से 76 अराउंड किलोमीटर, अब तो 70 ही मान लो भयंकर यार। हॉर्न काई को मारी यार, रे इतनी छोटी सी रोड है कहाँ जाओगे बबुआ, एस्क्रोस साले कुकुर नकुल आ गया, जीवन है वो है, जीवन है वो, जानते थे उसको। तो ये है यहाँ का चेक पोस्ट, ये है बंदर, और ये है यहाँ के शराबियों की भट्टी ये शराबियों की भट्टी है, हमारे लिए नहीं है ये, हम नहीं करते ऐसे काम। मैं उस दिन ना यहाँ से गया था अंदर को, यहाँ से क्यों, तो ये है थल, ये घाट है। हाँ यहाँ पर, यहाँ पर पूरा शमशान घाट है, देख रहे हैं लाल कपड़े लकड़ियाँ। अच्छा हाँ, चौकर में तो कैसे आप कर रहे हैं, हम पुल पार ये अच्छा जाता है चौकर को, इधर को पिथर पर नाच ही जाना है पहले, तो नाचने से तो बिरती फॉल भी तो पड़ता ही फिर तो। ओ भाई 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 आराम से आराम, तो गाइस अभी आ चुके हैं हमें नाचने वाली रोड में, मतलब यहाँ से बिरती फॉल पड़ता है, मुंशारी पड़ता है, एक ऊपर गया था मैंने, सॉरी कैमरा स्टार्ट ऑन करना भूल गया था, काफ़ी थकान हो चुकी है मेरे को तो कल से है ना। हाय गॉड यू,
भाई लद्दाख वाली बाड़ी आ रही है, पत्थर पत्थर वाली होती है। आगे देखते जाओ थोड़ा रिफ्रेशमेंट, सुबह से नाश्ता वास्ता नहीं किया तो अभी ऊपर जाके करेंगे। बाल हाल इग्नोर करिए काफी, हेलमेट तो हमारे पीछे विक्की भाई ने पकड़ा कैमरा, इनको दिखा अपने को दिखाओ विक्की भाई यार, शर्मा क्यों रो तुम, अपने को दिखाओ। ये विक्की भाई हमारे और ये शैलेश भाई। तो गाइस यहाँ पर से अराउंड 48 किलोमीटर है देखिए ये बोर्ड, और यहाँ से इधर को बागेश्वर जाते हैं, ये इधर साइड को बागेश्वर जाते हैं और यहाँ को इधर साइड को मुंशहर जाते हैं, और यहाँ पर पेट्रोल पम्प भी है बट ये बंद है आजकल। पर चौकी और नीचे से कोई ऐसा है, नीचे नदी है पूरी। पहाड़ चेक करिए भाई, लोकेशन क्या ही है खतरनाक यार, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा। और ये शैलेश भाई चलाएंगे अभी, क्योंकि तुम्हारे भाई की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत थकान लग चुकी है हमारी। आगे बिरती फॉल है ना अराउंड यहाँ से 10 किलोमीटर होगा ज़्यादा, 15। अभी हम पहुँच चुके हैं बिरती, तो आपको दिख रहा होगा आगे बिरती फॉल आएगा जितना बनना है। तो यहाँ से मौसम ख़राब हो गया है, मौसम ख़राब देखो तो वेदर रिपोर्ट चेक करो क्यों नहीं आते, मर जाओगे मुर्गी। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं बिरती फॉल के वहाँ पे, तो और नीचे पे काली का मंदिर है, नदी होती है काफ़ी अच्छी है, काली का जय काली का मजाएगी। और ये नकुल भाई बालों की हालत तो सबकी ख़राब हो गई, मेरी भी और नकुल भाई की। और यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और यहाँ पर से पैदल पैदल रास्ता ट्रैक है कुछ अराउंड 200 मीटर का होगा, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे पुल है, यहाँ से आए हैं हम, वो भयंकर वहाँ से आए देखो, वो वहाँ से यहाँ आए और हमें जाने की है बिरती फॉल देखिए, छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, काफ़ी सुंदर सा है यार भाई ना। तो वैसे भी यहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं अराउंड 200 मीटर, पास जाएंगे